लोहे का काम है या ये देखिए आगे काम लगा हुआ है। ये देखिए ये ट्रैक लाइन यहाँ पे बिछी हुई है, आप अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी काम हो चुका है। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी हम हैं संगलदान में। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने आपको दिखाया संगलदान रेलवे स्टेशन। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं संगलदान रेलवे स्टेशन के साथ में जो टनल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि कटरा से आता है, जिसका नाम है T42 जो है वो दूसरी साइड है। तो T41 वाली साइड अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम T41 का कितना काम हो चुका है, वहाँ पे अभी कितना टाइम लगेगा, क्या ये सब प्रोग्रेस होनी है, वो सब आपको बताते हैं। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ से आप सामने देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है T41 टनल जो कि कटरा वाली साइड से आ रहा है और कश्मीर वाली साइड के, मतलब आप ट्रेन यहाँ से आएगी। ये रहा आपका T41। सामने कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहा है और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये गवर्नमेंट पुलिस फोर्स जो भी होगी उसका प्रोटेक्शन के लिए जो भी होती है ना रेलवे की, तो उनके लिए ये बनाई जा रही है बिल्डिंग। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है, ये भी काफ़ी बड़ी है। और ये रहा सामने टनल और ये उसके ऊपर क्लाइडिंग वगैरह हुई हुई है। तो आगे जाते हैं, पास जाते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं इसका व्यू, अंदर से कितना काम हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। तो गाइज ये देखिए कितना टफ रास्ता जहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है, यहाँ से सच में कोई रास्ता तो है नहीं, खुद से रास्ता बनाना पड़ रहा है यहाँ जाने के लिए, आपको व्यू दिखाने के लिए। ये आप देखते हो सामने जेसीबी लगी और काम चल रहा है T41 के बाहर। तो थोड़ी देर में हम बस अंदर पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही ख़राब रास्ता है यहाँ का, क्योंकि हर जगह ऐसा होता ही है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहाँ पर आपको ऐसा ही हाल मिलेगा, तो आप कोई कंप्लेन कर नहीं सकते हो। ये आप देख सकते हो सामने फ्रंट दिख रहा होगा आपको T41 का। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए T41 के पहले ही आपको बिल्डिंग दिखेगी जो मैंने आपको बताया अभी, कि जो पुलिस की प्रोटेक्शन फोर्स होगी उसके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। काफ़ी चढ़ाई थी यहाँ पे चढ़ने में, साथ चढ़ चुकी है मेरी भी। तो ये सामने यहाँ पे पिचिंग का काम अभी चल रहा है, ये देख सकते हो आप, वर्कर्स लगे हुए हैं और काम चल रहा है। यहाँ पे जेसीबी चल रही है, ड्रेनेज के लिए ये जगह रखी गई है। और सामने आप देख सकते हो T41 अंदर काम चल रहा है शायद से, क्योंकि लाइट्स वगैरह जली हुई हैं और ऊपर क्लाइडिंग का भी काम कंप्लीट हो रहा है। इतने एरिया में क्लाइडिंग हो चुकी है बट इस वाले एरिया में अभी हो रही है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलते हैं आगे और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर कितना काम हुआ हुआ है। तो गाइस ये है एंट्रेंस T41 का। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा डस्ट वगैरह है, शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा साफ। यहाँ पे जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं और अंदर चलते हैं। तो काफी काम हो चुका है यहाँ पे, साइड से आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ से जो रेलवे ट्रैक बिछेगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बैलेटलेस रेलवे ट्रैक होगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया पहले कि बैलेटलेस कौन सा ट्रैक होता है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी डस्ट है, काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरी आवाज़ भी इको कर रही है थोड़ी, अभी आपको थोड़ा दिख रहा होगा शायद से। ये देखिए मतलब काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बस जो यहाँ पर ट्रैक लाइन है वही बिछने की देरी है, बाकी साइड से सारी फिनिशिंग वगैरह भी हो चुकी है। क्योंकि जो रेलवे टनल होता है और रोड टनल होता है उनमें यही डिफरेंस होता है कि जो रोड टनल होता है उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है, बट रेलवे टनल की इतनी फिनिशिंग करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज बीच में से ट्रैक लाइन ही आनी होती है उसमें। तो आप ये देख सकते हो, ये साथ में एस्केप टनल तो नहीं कहेंगे, बट कल को कोई हैजार्ड वगैरह हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए यहाँ से शायद से बाहर जाने के लिए, दूसरी साइड जाने के लिए रास्ता रखा गया है, ताकि जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो उनको इजी हो सके कि यहाँ से पास करना। और यहाँ पे आगे देखो सिर्फ पानी ही पानी है, तो ज़्यादा आगे हम जाएंगे नहीं। और मैं बता दूँ आपको कि इस टनल की लेंथ 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है T41 की,
तो चलते हैं अभी वापस बाहर, क्योंकि अंदर तो काफी अंधेरा है, तो चलते हैं वापस बाहर और अभी हम जाएंगे दूसरी वाली साइड। जैसे कि हमने T41 को क्रॉस किया, सामने जाके आगे आएगा रेलवे स्टेशन संगलदान, ठीक है, और उसको क्रॉस करेंगे तो आएगा आपका T42। तो चलते हैं हम T42 की साइड और देखते हैं वहां पे कितना काम हुआ है। मुझे बाहर बता रहे थे कि वहां पे ट्रैक लाइन भी बिछ चुकी है, तो देखते हैं क्या सच में वहां पे ट्रैक लाइन बिछ चुकी है। तो चलते हैं आगे। यहाँ काम तो काफी अच्छा हो चुका है वैसे देखा जाए तो, बस 5-6 मंथ की बात है, 5-6 मंथ में ये सारा काम हो जाएगा और रेलवे स्टेशन भी इस एयर के एंड तक ये तैयार हो जाएगा, और हो सकता है कि बानीहाल से यहाँ के लिए फिर ट्रेन को भी चलवा दें अगले साल से। तो चलते हैं बाहर और मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम वापस निकल रहे हैं T41 से और चलते हैं T42 की तरफ और देखते हैं कि वहां पे कितना काम हुआ है। तो काफी टफ रास्ता है यहाँ का ये T41 मेरे पीछे आप देख सकते हो, और ऊपर क्लाइडिंग वगैरह इसकी हो रही है, सामने पिचिंग वगैरह हो रही है वहां पे सॉइल को रिटेन करने के लिए, बिकॉज ये जो यहाँ की सॉइल है ना ये रेड सॉइल है और काफी ही मतलब बहुत नरम सी सॉइल है और इसमें मड वगैरह बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो क्या हाल है, यहाँ पे सारा का सारा मड से भरा हुआ है ये। लेकिन आने वाले कुछ मंथ्स के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल मड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारा कंक्रीट से भर चुका होगा और यहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार हो गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्डिंग इन्हें तैयार कर दी है काफ़ी हद तक, बस इसको फिनिशिंग देना की बात है, बाकी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। और चलते हैं आगे और वो आपको सामने दिख रहा होगा T42 जो कि काफ़ी दूर है, तो अभी वहाँ जाना है हमको, चलते हैं। तो देखिएगा गाइस कितना टफ रास्ता है, यहाँ से होके जाना पड़ेगा हमको आगे। तो कैमरा करते हैं बंद और चलते हैं आगे। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको T41 दिखाया है, तो अभी हम चलते हैं T42 की तरफ। और इसका उन्होंने बताया कि इसमें ट्रैक पड़ चुका है, लेकिन जो पहले 70 मीटर है जहाँ से हम जाएंगे वहाँ पे नहीं पड़ा है, लेकिन उसके बाद ट्रैक पड़ चुका है। तो देखते हैं कि जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे और देखेंगे कितना ट्रैक पड़ा है वहाँ पे, चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली काफ़ी मशक्कत के बाद हम पहुँच चुके हैं T42 में। ये देखिए ये रहा T42 और वो वहाँ से हम नीचे उतरे हैं, काफ़ी ऊँची जगह थी वो, चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए गाइस अंदर काम लगा हुआ है, क्योंकि आवाज आ रही है वर्कर्स के काम करने की। और जैसे कि बाहर एक इंजीनियर मिले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रैक बिछ चुका है, थोड़ा 70 मीटर तक ट्रैक नहीं है लेकिन उसके वजह से ट्रैक बिछ चुका है। तो थोड़ा अंदर तक चलते हैं और देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है। वैसे यहाँ काम तो काफी हो चुका है और इसकी फिनिशिंग वगैरह एक तरह से हो ही गई है, बस थोड़ा सा ट्रैक बिछने की देरी है, चलते हैं आगे। हाँ तो ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ट्रैक लाइन का ही ये सब सामान पड़ा होगा यहाँ पे, और देखिए कितना पानी आ रहा है, क्योंकि टनल है तो अंडरग्राउंड वाटर जो भी होता है वो यहाँ पे है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो तब तो ये पानी नहीं आएगा। ये देखिए आप देख रहे हो ट्रैक लाइन का सारा सामान, और ये साइड से फिनिशिंग भी काफ़ी हुई हुई है, और ये शायद से लोहे का काम है, या ये देखिए आगे काम लगा हुआ है। ये देखिए ये ट्रैक लाइन यहाँ पे बिछी हुई है, आप अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी काम हो चुका है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, बट ये सही कहा तो नहीं है, ट्रैक लाइन बिछ चुकी है। ये देखिए यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सारे नीचे पानी ही पानी है। तो यहीं से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो
ये लोहे के स्लैब वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं, इस साइड भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तो काफ़ी काम हो चुका है, तो बस जो दूसरा टनल था उसमें भी हो जाएगा थोड़े ही मंथ्स के बाद। तो चलते हैं अब बाहर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं T42 के बाहर, और काफ़ी अंधेरा था अंदर, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि अंदर ट्रैक लाइन बीत चुकी है, तो सामने वाला जो टनल आपको दिख रहा है उसमें भी थोड़ी देर में बीत जाएगी। तो आएंगे अगली बार यहाँ पे फिर से जब वहाँ पे काम हो जाए, या 2-3 मंथ के बाद फिर एक चक्कर लगाएंगे और तब देखेंगे तब कितना प्रोग्रेस हुई होगी 2-3 मंथ्स के बीच में, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसको भी थोड़ा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके कि यहाँ पे कितना काम हो चुका है और आप लोग कब यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है, तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे यहाँ का प्लेटफॉर्म होगा, सामने आप देख रहे हो जो बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की। तो मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि आने वाले 5-6 मंथ के बाद जब यहाँ पे पूरा ट्रैक बीत चुका होगा और प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार हो गया होगा, तब हम इस वीडियो को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि मतलब क्या डिफरेंस आता है व्यू में। तो मिलेंगे तब, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।